अठारह की स्टार्टिंग में काफी ज्यादा हाइप मिल रही है WWE को, बिकॉज बहुत ज्यादा अच्छी चीजें होने वाली है। रेसलिंग मेनिया काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, और जैसे कि वुमेन्स रॉयल रंबल के ऊपर भी काफी सारी न्यूज बन रही है, और WWE के लिए ओवरऑल 2018 स्टार्टिंग में सो फार अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसे 5 रिकॉर्ड जो कि WWE तोड़ने वाली है 2018 में, जो कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में बनाए। तो आज उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं वर्मा। चलिए वीडियो में चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एम करते हैं वीडियो के लिए 1000 लाइक्स। मुझे पता है यार आप करवा दो, आपके लिए आसान है तो करवा दो यार। नंबर 5 पर है ट्रिपल एच और शेन मैकमैन की लूजिंग स्ट्रीक। ये हमें पता है कि ट्रिपल एच कितने बुरे तरीके से पिछले एक बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग लूजिंग स्ट्रीक बना रहे हैं। उसके साथ साथ शेन मैकमैन तो काफी टाइम से क्या कहूं, जब से कि WWE में वापस आया तब से एक भी मैच नहीं जीता शेन मैकमैन ने। बट ये चीज 2018 में खत्म होने वाली है। ट्रिपल एच और शेन मैकमैन एक ना एक मैच जीतने वाले हैं 2018 में, जिसमें कि उनकी एम्बेरेसिंग स्ट्रीक खत्म होगी। अगले अगर हम बात करें नंबर 4 पर, तो वो है रोमन रेंस की ओवर पुशिंग स्ट्रीक। अब ऐसा क्यों है, हमें पता है कि अमेरिकन से जितने भी बड़े बड़े रेसलिंग ऑब्जर्वर से रेसलिंग फैंस भी हैं बाहरले देश वाले, तो वो क्या करते हैं रोमन रेंस को हेट करते हैं। किस वजह से, बिकॉज उन्हें ओवरपुश मिली हुई है। बट WWE का एक प्लान है, PW इनसाइडर के हिसाब से WWE रोमन रेंस को बहुत ज्यादा डोमिनेट करने वाली है 2018 में, जिसमें कि अमेरिकन फैंस को लगेगा उन्हें सिंपैथी देनी पड़ेगी रोमन रेंस को। उन्हें लगेगा कि बाकी यार ये बंदा इससे थोड़े ज्यादा लेवल पर है, और जब वो हो जाएगा उनके मन में एक सिंपैथी आ जाएगी रोमन रेंस को लेकर, और तब जाकर WWE रोमन रेंस को पुश करेगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें 2018 रोमन रेंस और WWE के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। नंबर 3 पर स्मैकडाउन डाउनफॉल रिकॉर्ड। हमें पता है कि स्मैकडाउन 2016 के बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं पकड़ पाई, 2017 उनके लिए काफी ज्यादा बुरा रहा। बट WWE ने बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं स्मैकडाउन को ऊपर ले जाने के लिए 2018 में। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर जरूर चेक कीजिएगा। और अगर हम बात करें अगले वाले की, यानी कि नंबर 2 पर, फर्स्ट टाइम एवर जो है जॉन सीना 17 टाइम्स WWE चैंपियन बनेंगे, जो कि WWE के सारे प्रीवियस रिकॉर्ड जरूर जाएंगे, जो कि पहले जॉन सीना और रिक फ्लेयर का टाइप था। बट अगर हम इन WWE के बारे में बात करें, तो सिर्फ 16 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप सिर्फ और सिर्फ जॉन सीना ने जीती है, और ये रिकॉर्ड पहली बार टूटने वाला है 2018 में, जब जॉन सीना जीतेंगे 17th वर्ल्ड चैंपियनशिप। अगर हम नंबर 1 के बारे में बात करें, तो हमें पता है कि CM Punk का रिकॉर्ड जल्द ही टूटने वाला है, और उसकी शुरुआत जो है 2018 से होनी शुरू हो जाएगी, या फिर लास्ट में या फिर मिड में कोई एक ऐसा चैंपियन आएगा जो कि कंटिन्यूसली चैंपियनशिप रखेगा और तोड़ देगा प्रीवियस रिकॉर्ड जो कि था CM Punk का। कौन लगता है आपको कौन होगा वो स्टार जो कि तोड़ेगा रिकॉर्ड CM Punk का? तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहां तक वीडियो देखे ले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं अरमन।